सुप्रभात बच्चों, बच्चों आज मैं कक्षा 6 और 7 देखो 8 वाले भी देख सकते हैं, ये शिक्षण भी तीनों का है। ये तो संस्कृत व्याकरण में आज हम आपको राम शब्द के रूप करवाऊंगे। राम शब्द के लिए अकारांत, अकारांत होते हैं जिसमें अ मात्रा नहीं होती, जितने भी आते हैं उसमें राम छात्र बालक जितने खूब सारे मैं बताऊंगी वो सारे के सारे अकारांत होने में आ जाते हैं। तो मैं आज आपको इनको कहते हैं संज्ञा शब्द, क्या बोलेंगे हम संज्ञा शब्द रूप, ठीक है संज्ञा शब्द रूप हमने क्या कहते हैं संज्ञा शब्द रूप। अब हम आज हम करवाएंगे अकारांत पुलिंग, पुलिंग बोलते हैं इसको, ल पे बिंदी लगाओ पुलिंग, ठीक है। और कौन सा शब्द है ये राम शब्द, राम शब्द, राम शब्द ये मैं आपको आज करवाऊंगी। ग्यारह ग्यारह लिख लो, दिखा दे रहा राम शब्द। अब है देखो शब्द जो होते हैं, जैसे मैंने धातु को लिखा थे क्रिया करते हैं धातु को पुरुष के अनुसार करते हैं, पुरुष कितने होते हैं प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और ये जो शब्द रूप जो होते हैं ये विभक्तियों के अनुसार चलते हैं। विभक्तियां कितनी होती है, विभक्तियां 8 होती है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन, ठीक है। तो अब हम पहले पहले देखते हैं ये होता क्या है। देखो संस्कृत व्याकरण में पहले लिखना जरूरी है इसको समझो, संस्कृत व्याकरण में क्या होता है शब्द रूपों का विशेष महत्व है, शब्द रूपों का विशेष महत्व है। जैसे धातु रूप करवाए मैंने ऐसे ये होते हैं संज्ञा शब्द रूप, वो फिर सर्वनाम वाले करवाए थे और ये होते हैं संज्ञा शब्द रूप, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्द, अब ये शब्द किसके अनुसार करते हैं कारकों के अनुसार, कारक कारक होते हैं ना कर्ता ने कर्म को उनके अनुसार आदि शब्द कारक विभक्तियों को ग्रहण करके विभक्तियों को ग्रहण करके पद बनते हैं, ये शब्द बनते पद बनते हैं, यानी इसमें कारक विभक्ति का साथ दिया जाता है, कारकों के बिना कारकों के सहायता से ही ये शब्द बनाए जाते हैं। वाक्य बनने के बाद ही पद बनने के बाद ही वाक्य का प्रयोग किया जाता है। वाक्य बनने के बाद ही क्या होता है वाक्य में प्रयोग किया जाता है।
अर्थात जो कारक होते हैं उनके अनुसार शब्द रूप उनकी सहायता से बनाते हैं। ठीक है, एक बार और आप देखो, संस्कृत व्याकरण में शब्द रूपों का विशेष महत्व होता है। शब्द रूप है राम वगैरह होते हैं, अकाराम इकाराम उकाराम अलग अलग होते हैं मात्राओं के अनुसार, और धातु रूप अलग होते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में शब्द रूपों का विशेष महत्व है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द कारक विभक्तियों को ग्रहण करके पद बनते हैं। ठीक है, पद बनने के बाद ही वाक्य में प्रयोग किया जाता है। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे बनते हैं। अब शब्द रूप है कौन सा कवायु में, राम शब्द। आज मैं आपको कराऊंगी राम शब्द रूप। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, पहले आप चार कॉलम लिखेंगे ऐसे। ठीक है, एक एक में विभक्ति लिखेंगे, एक में एक वचन लिखेंगे, एक दो वचन लिखेंगे, एक दो तीन खुले खुले कलर। एक दो तीन और ये चार। अब इससे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे हम इधर विभक्तियां, यानी को विभक्तियां विभक्तियां लिख लो। फिर लिखोगे एक वचनम, दूसरे में द्विवचनम और तीसरे में बहुवचनम। ठीक है, एक वचन यानी एक, द्विवचन है दो और बहुवचन माने बहुत सारे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप कारक, इसमें लिखा रही हूँ कारक और आपको चिन्ह पता लग गया। अब विभक्ति आ गई, एक वचन द्विवचन बहुवचन, पहले आप कारक और उनके चिन्ह लिखो। कर्ता, कर्ता का चिन्ह क्या है, ने। अब ये है आपकी प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में कर्ता कार्य के अनुसार आपकी प्रथमा विभक्ति चली। दूसरी है कर्म, कर्म को कर्म के अनुसार कौन सी विभक्ति चलेगी आपकी, द्वितीया विभक्ति चली। फिर आएगा आपका कर्ण, कर्ण से, अब कर्ण से देखो दो दो में आता है कर्ण से, ये होता है कर्ण से किसके लिए होता है, ये के द्वारा, के द्वारा भी होता है। कौन सी भक्ति होती है, प्रत्यय के द्वारा। कैसे हुआ, जैसे अलग होने के लिए एग्जाम्पल है पेड़ से पत्ता अलग हो गया। ठीक है ना, तो अलग होने के लिए होती होती है और के द्वारा यानी इसके द्वारा ये कार्य किया गया। राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है ना, बाण से के द्वारा मारा। आगे है संप्रदान, संप्रदान कार्य लिखो, संप्रदान किसमें आएगा, के लिए संप्रदान, के लिए चतुर्थी कौन सा हो गया, ये चतुर्थी विभक्ति हो गई
That's my fear. Ya, waktu ini sampai dalam kiri ya, terbukti ini dok ya, cinnya hai oleh kare ke ansar chalenge aage kya aaga sampai dalam ke baad apadhan apadhan ab apadhan mein se bhi kya aata hai se apadhan mein bhi se hota hai iske liye kaun sa hoga se अलग होने के लिए से कौन सा होगा अलग होने के लिए ये पांचवी भक्ति होगी आपकी पांचवी ये पांचवी भक्ति होगी आप कट्टा नहीं करम को कर से संप्रदान के लिए अपादान से फिर आएगी आपकी संबंध 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 में क्या रहेगा काके भी रागे भी संबंध जो दिखाते हैं उसका इसके साथ संबंध है राम की पत्नी सीता की तो क्या आएगा रामस्य तो कौन सी भक्ति आएगी आपकी षष्ठी षष्ठी यही आप हिंदी और उसमें दोनों में समझ लो हिंदी में भी यही कारक है वैसे संस्कृत में ये कारक नहीं होता है छह कारक होते हैं ठीक है पंचमी के बाद सीधे सबको भी आता है षष्ठी नहीं होती है संबोधन नहीं होती है परंतु आपको पूरा समझना आवश्यक है जिसे आप पूरा याद करें अच्छा अब आगे क्या आएगा संबंध के बाद अधिकरण अधिकरण कौन सा आएगा मे पर के मे पर ऊपर कर लो ऊपर ऊपर या ऊपर कौन सी भक्ति आती है सप्तमी ये सप्तमी भक्ति हो गई और संबोधन लास्ट में कौन सी होगी आपकी संबोधन के ओ आगे इसका विभक्ति को भी हम संबोधन बोलेंगे संबोधन ठीक है सबने ठीक है अब मैं आपको बताती हूँ इसके लाइन चीजें जिसे आप कंजूस नहीं हो अलग अलग फिर मिल जाते हैं हो गई और ये लास्ट में सप्तमी और संबोधन हो गया हल्के हल्के लाइन खींचने से लाइन खींचने की जरूरत नहीं होती है अब यह समझने के लिए लाइन आपको खींची गई है जिसे आप देखो विभक्तियां कितनी होती हैं आपसे पूछा जाए विभक्तियां कितनी होती हैं तो कितनी होती है विभक्तियां प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन ठीक है विभक्तियां आठ होती है अब हम लिखेंगे राम शब्द के रूप कर्ता के अनुसार राम 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 रामम 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 करते जाओ रामम 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 तो बोलते ऐसे हैं रामम 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 रामे रामभ्याम रामई रामे राम अभ्याम राम ठीक है
अलग होने के लिए आता है वृक्ष से पत्ता अलग हुआ तो आएगा वृक्षेण इसमें आएगा ना और इसमें है अलग इसके के द्वारा है और इसमें अलग होने के लिए होगा तो आएगा वृक्षा अभी मैं आगे बताऊंगी आपको तो इसी की विभक्ति के अनुसार हम वाक्य बनाते हैं वाक्य जो बनाते हैं ना तो इसमें से लेते हैं धातु रूप में हम कैसे वाक्य बनाएंगे सहतव के बताया था ना मैंने उसमें सर्वनाम में उसके अनुसार वाक्य बनाते हैं और उसमें कारक के अनुसार वाक्य बनाते हैं राम 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 रामान रामे रामभ्याम रामई और इसमें एक चीज और अभी बताऊंगी मैं फिर आएगा रामाय रामाभ्याम रामाय रामाभ्याम रामेभ्य अब आएगा रामा दक्षा जैसे दक्षे पता गिरा तो दक्षा रामा रामाभ्याम रामाभ्याम के एक आई आएगा रामेभ्य देखो ऐसे भी कर सकते हैं हम जैसे ये क्या राम तो कई बार क्या होता है यूं कर दो ये नहीं इसलिए जैसा ये पर पूरा पूरा देखो पूरा ही पाओ ठीक है अब देखो के लिए ताके की षष्ठी षष्ठी होकर ताके की राम से रामो राम राम जैसे वृक्ष से पता गया तब हम कहते थे वृक्ष राम से राम हो राम राम सप्तमी अधिकरण कारक सप्तमी में कौन सा हमारा अधिकरण कारक है मेघ पर वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं इनमें के लिए जो हम बनाएंगे वाक्य वो सप्तमी विभक्ति लेके वाक्य बनाएंगे ठीक है तो क्या आएगा राम से रामी रामणा रामी रामी रामेशु रामी राम अब देखो लास्ट में क्या है संबोधन आखिर में क्या है संबोधन कारक संबोधन यानी हमें किसी को संबोधित करना आश्चर्य होना या संबोधित करना पहले ही बता चुकी हूँ मैं संबोधन में कारक करवा चुकी हूँ तो अरे चांद निकल आया अरे इससे क्या हो गया संबोधन करते ना हमें अरे करके थे ओ अरे ये संबोधन कारक में आता है तो क्या करेंगे हे राम हे रामो हे रामा हे राम अब देखो इसको ऐसे लगा दो संबोधन के लिए निशान लगाओ हे रामो हे रामा ठीक है अब एक बात ध्यान देने योग्य है जो संबोधन में होती है जो प्रथमा में होता है ना वही संबोधन में होता है प्रथमा विभक्ति जो होती है वही संबोधन में होती है राम रामो राम है हे राम हे रामो हे रामा आगे वैसे वैसे संबोधन में होती है अब दोबारा देख लो इसको कैसे देखोगे शब्द रूप जो होते हैं संज्ञा शब्द रूप पुल्लिंग ये पुल्लिंग है और अकारांतर अकारांतर मतलब क्या होता है हम जो भी होते हैं राम इसके आगे मात्रा नहीं लगती आ का वर्ण होता है इसके आगे आ का आवाज आती है तो वो अकारांतर होते हैं इसकी जगह हम रमा बोलेंगे तो राम है रमा तो वो आकारांत हो जाएगा कौन सा होगा आकारांत वो स्त्रीलिंग में होगा ठीक है वो आकारांत स्त्रीलिंग में हो जाएगा ये पुल्लिंग में है तो आकारांत राम शब्द और राम शब्द के जैसे जितने भी
बालक के अश्व के छात्र के इनके आगे मात्रा नहीं होती, छात्र अश्व बालक इनके तो कैसे कैसे चलेंगे। जैसे बालक के देखो बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालके बालकभ्याम बालकली बालकाये बालकभ्याम बालकेभ्य। इन्हें विसर्ग लगाना मत भूलना, अगर आपने विसर्ग नहीं लगाई तो आपकी गलत है। बालकाये बालकभ्याम बालकेभ्य बालका बालकभ्याम बालकेभ्य बालकस्य बालकयो बालकानां बालके बालकयो बालकेषु हे बालक हे बालकौ हे बालकः हे बालक हे बालकौ हे बालकः। ठीक है, ये आपके राम शब्द के रूप है, इसके अनुसार चलते हैं कारक विभक्तियों के अनुसार। कारक विभक्तियां होती है उनके अनुसार ये शब्द रूप चलते। अब दोबारा देखो कारक कितने होते हैं, एक और समझ लो कारक हमारे आठ होते हैं। कितने होते हैं, आठ होते हैं। कर्ता इसका चिन्ह है ने, जो ने से जो वाक्य बनता है उसमें कर्ता कारक लगता है, यानी करने वाला। कर्म, कर्म के साथ क्या लगता है, को। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, अलग होने के लिए लिखो। अलग का मतलब अलग होने के लिए, होने के लिए। मैंने बता दिया ना, अब अपने आप बड़ी क्लास से आती जो बोलू मैं बताऊ ना, कोई लिख लिया। अपादान अलग होने के संबंध काठे की अधिकरण में पर ऊपर और संबोधन के ओ एल। ठीक है, ये तो आपके हो गए कारक, कारक हो गए, भूलना नहीं, कारक आठ हो गए। अब जल्दी जल्दी कोई करता नहीं, कर्म को कारण से संपदा के लिए, अपादान से संबंध काटे के अधिकरण देकर ऊपर संबोधन ही हो अरे। जल्दी जल्दी इनको याद होता है, फटाफट बोलते हो। अब विभक्तियां कितनी होती है, हमारी विभक्तियां आठ होती है। कितनी होती है विभक्तियां, संस्कृत में पूछा गया है, संस्कृत में विभक्तियां कितनी होती है। धातु रूप किसके अनुसार चलते हैं, पुरुष तीन होते, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और विभक्तियां होती है शब्द रूप में, विभक्तियां होती है प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। ठीक है, अब इसके बाद आता है वचन कितने होते हैं। देखो वचन धातु रूप में भी आते हैं और वचन शब्द रूप में भी आते हैं। एक वचनम द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचनम माने एक वस्तु, द्विवचनम माने दो वस्तु और बहुवचनम माने दो से अधिक। दो से अधिक कितनी भी हो वो आपके बहुवचन में आएगा। राम 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 आगे हो राम, आप राम नहीं पढ़ेंगे, धक्के पढ़ेंगे राम 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 अश नहीं पढ़ते, क्या बोलेंगे, जो हम विसर्ग होती है ना उसको भारतीय आवाज होता राम 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 रामम राम रामान रामे रामभ्याम रामई रामाय रामभ्याम रामेभ्य रामान रामभ्याम रामेभ्य रामस्य रामो रामाणाम रामे रामे रामेषु हे राम हे रामौ हे रामा। तो ये तो आप, अब मैं आपको बताती हूँ अकारान। अब अकारान में आने वाले अकारान में कौन कौन से शब्द आपके को आपको अपने आप करने पड़ेंगे, राम शब्द यानी करवाइए अकारान के। मैं और भी आपको बताऊंगी जो अकारान में आते हैं, सबसे मशहूर कौन से होते हैं, बालक शब्द, इसके अनुसार बनाएंगे आप। जब आप खुद बनाओगे स्वयं बनाओगे जब आपको आएगा, ऐसे नहीं आएगा। देखो अकारान शब्द जैसे बालक, बालक से अगर विसर्ग लगाओगे क्या है, बालक छात्र अश्व, अश्व यानी घोड़ा, अश्व के भी सब ऐसे ही बनेंगे। अनिल
ताकह ये सारे कौन है ये सब अंतरांते हैं करह करह मने हाँ करह के भी करह 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 ऐसे राम के बोलते हैं ना जैसे जैसे आपके बोलेंगे ठीक है अब ऐसे लिखाने की आवश्यकता नहीं है खगर हाँ गजर हाँ बहुत सारे होते हैं एक लिखाने को वो 50 हो जाएंगे खगर हाँ गजर हाँ तो खूब सारे होते हैं ठीक है अब इनमें से आप ये बालक छात्र और अश्व तीन के तो आप करेंगे अपने आप करेंगे ऐसे करके आप करेंगे कार्य आप उसको पूरा करके और दिखाएंगे स्कूल खुलेंगे और कॉपी चेक करेंगे ठीक है अब मैं ये आप आज का आज क्या हुआ आपका अकारांत अब अकारांत के बाद आता है इकारांत इकारांत जिसे कहते हैं जिसमें ई की मात्रा लगती है छोटी की मात्रा लगती है वो इकारांत होता है इकारांत ये पुल्लिंग होगा ये अब मैं हरी जैसे हरी है हरी 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 है इसके अलग हो गए बिल्कुल हरी 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 ना हरी प्या हरी प्या इसके जैसे ही होते हैं एक बात आप जानते हैं इसमें जो द्विवचन होता है द्विवचन में प्रथमा द्वितीय एक जैसे होते हैं फिर तृतीय चतुर्थी पंचमी एक जैसे होते हैं इस षष्ठी और सप्तमी एक जैसे होते हैं ये ध्यान देने योग्य की बातें हैं ठीक है अब मैं कल आपको हरी शब्द कराऊंगी आज मैंने आपको कौन सा कराया राम शब्द अकारांत कराया कल हरी शब्द इकारांत ठीक है बेटा अब इसको कॉपी में लिखेंगे और कल मैं आपको दूसरे कराऊंगी अगले अध्याय में शब्द रूप से चलेंगे भाग और कल इसको भाग ए ठीक है और इसको याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे धन्यवाद दोस्तों